प्रथा की पहली होली। जी हाँ, शादी के बाद पहली होली, होलिका दहन कुछ इस तरीके से हुआ कि एक और असुर जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से शेष नागिन और महक असुरों का विनाश करने आई हैं, और दो असुरों का वो विनाश कर चुकी हैं। शिखा सिंह की एंट्री हुई थी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर, और जो कहानी है उसमें जो लगातार ट्विस्ट आ रहे हैं उससे एक बात साफ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो ये जो नागिन की कहानी है कई जगह से इंस्पायर है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से आज जो ट्रैक दिखाया गया उससे ऐसा लगता है कि मानो दामिनी का जो ट्रैक था वो चल रहा हो, यानी कि प्रथा के घर में ही उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ गलत होता है और उसके बाद जो है दिया, जिसका नाम बताया गया है, और वो जो है कूद कर जान दे देती है या उसको मारा जाता है। हालांकि ये पहेली जो है वो भी सुलझती हुई नजर आएगी, लेकिन जो रिद्धि का किरदार था शिखा, जो कि लगभग 2 साल के बाद वापसी कर रही थी, वो पुलिस वाली बनी लेकिन असल में वो असुर थी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हालांकि उसे शेष नागिन और महक का राज कैसे पता था, और यही बात जो है प्रथा को उलझन में डाल रही है कि उसको जो है ये शेष नागिन का राज आखिर कैसे पता चला। तो इस तरीके से रिद्धि का यानी कि शिखा का जो कैरेक्टर है उसका क्या कनेक्शन था वो आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन आज हमने आपको बताया कि छोटी नागिन की भी शो में एंट्री हो रही है, जिससे अब प्रथा का जो अतीत रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो दो असुरों का विनाश हो चुका है, 20 असुर है, वही यहाँ पर ऋषभ और साथ में जो प्रथा की केमिस्ट्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को पसंद आ रही है। अगर प्रथा पर किसी को जरा सा अगर मैं कहूँ तो जो शक वाकई में सच्चाई के करीब है वो है किरदार उर्वशी ढोलकिया का, जो इस बात को धीरे धीरे समझ रही है कि प्रथा का नागिन से कनेक्शन क्या है। तो कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है, 2.2 की TRP आई है, और आज करण ने लोगों से अपील भी की कि आप लोग ऑनलाइन नहीं TV पर देखिएगा। और अब प्रथा का जो किरदार है, प्रथा मुझे बहुत जो तेजस्वी की एक्टिंग है वो बहुत ही बैलेंस लगती है, जब वो नागिन बनती है और जब वो एक साधारण बहू है गुजरात परिवार की, तो उस दोनों कैरेक्टर के बीच में आराम से जो है आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं उनका, और ये तेजस्वी की एक्टिंग की काबिलियत है कि वो जो है इन चीज़ों को बखूबी निभा पा रही है। महक को बहुत अच्छे अच्छे सीन्स मिले हैं, अगर मैं कहूँ तो एक बहुत अहम और दमदार किरदार उभरता हुआ जो इस पूरे नागिन 6 में नज़र आ रहा है वो महक का है। उनके पास जो है आज जो अगर कहा जाए तो शिखा के साथ उनके स्टंट्स भी थे, और इसके अलावा जो है उनके पास भी जो है करने के लिए बहुत स्कोप है। सिम्बा का मुझे लगता है कि अभी उन्हें और डायलॉग्स दिए जाने चाहिए, सिम्बा का कैरेक्टर मुझे लगता है जिस तरीके से एनहांस होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कल सपेरा बनकर संजय गगनानी आएंगे और वो प्रथा के राज को सबके सामने खोलना चाहते हैं, और ये बात तय है कि संजय गगनानी को बुलाया किसी और ने नहीं, उर्वशी ढोलकिया ने है, क्योंकि उसको इस बात का थोड़ा बहुत शक हो चुका है कि प्रथा का कनेक्शन नागिन से है या फिर प्रथा ही नागिन है। तो उसके राज से पर्दा उठाने के लिए जो संजय गगनानी का किरदार है उसकी एंट्री हो रही है, जो कि सपेरा बनकर एंट्री कर रहा है। तो अब कल का देखना होगा कि किस तरीके से क्या प्रथा अपना राज बचा पाती है या नहीं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन एक चीज जो मुझे आज एपिसोड देखकर याद आ रही थी वो है कि जो नागिन फैंस ने एकता को लेटर लिखा था और कहा था कि जो इसके VFX हैं वो वाकई में बहुत ही बुरे स्तर के हैं, वाकई में VFX जो है उस पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें सही हैं लेकिन VFX जो हैं थोड़े और स्ट्रांग होंगे तो जो है इस सीरियल को हम कह सकते हैं कि नंबर 1 बनेगा। अभी जो TRP आई बाग की उसमें नंबर 6 पर था, कुछ कुछ चीज़ें हैं अगर उन पर काम किया जाए तो वाकई में नागिन जो है लोगों को और पसंद आएगा और इसको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।